बैगन की एकदम नई क्रिस्पी करारी चटपटी रेसिपी जो आपने कभी न बनाई होगी न खाई होगी, बैगन फिंगर फ्राई। तो ये देखिए, आप इसको स्नैक्स में या स्टार्टर में भी यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगती है ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बैगन फिंगर फ्राई बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 बैगन लिया है और सारे बैगन का छिलका हटा देंगे, इसका डंठल नहीं हटाएंगे, बस फ्रेश 4 बैगन लेंगे और सबका छिलका अच्छे से हटा देंगे। और ये देखिए, मैंने सारे बैगन का छिलका हटा दिया है। हम अगर आप चाहें तो आधा पर से इसका डंठल तोड़ के हटा दीजिए या फिर पूरा रहने दीजिए और बीच से पतला पतला इसको काट लेंगे। उसके बाद फिर उलट के इसको पतला पतला काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको काट लिया है। इसको एकदम आराम से काटेंगे ताकि हाथ नहीं कटे। इसी तरह मैंने सारे बैगन को काट लेंगे और उसके बाद एक कटोरी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें सारे बैगन काट काट के डालते जाएंगे। इसमें नमक और पानी में डालने से बैगन का कलर चेंज नहीं होता है, तो इसके लिए इसको नमक के पानी में 10 मिनट के लिए डाल के फिर छोड़ देंगे। तो सारे बैगन को सेम ऐसे ही बीच से कट कर लेंगे, ऊपर से जॉइंट रहेगा और नीचे से खुला रहेगा। इसको भी नमक वाले पानी में डाल देंगे। तो ये देखिए, अब इस 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको पानी से निकाल के एक प्लेट में डाल लेंगे। और उसके बाद एक कॉटन कपड़े पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। तब तक हम एक कटोरी में 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गार्लिक और जिंजर पेस्ट 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और मैदा भी लेंगे 2 चम्मच और ऊपर से गरम मसाला 1/4 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, पतला ही करेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कैसा बना है। अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें बैगन डालेंगे और इसमें मसाला अच्छे से डाल देंगे। इसको अच्छे से चम्मच से ऊपर से भी डालेंगे ताकि इसे मसाला जा सके। अब ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है, तो अब इसके ऊपर कोटिंग करेंगे इसे। तो इसमें डाल देंगे और ऊपर से सारे परत पे ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से ये लग जाए। और ये देखिए, ये अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में डाल देंगे। और बाकी बचे हुए बैगन भी ऐसे ही सबको सेम प्रोसेस से वैसे ही ब्रेड क्रम लगाते जाएंगे और उसके बाद प्लेट में डाल लेंगे।
और देखिए इसका भी कोटिंग हो गया है। अब इसको भी निकाल के एक प्लेट में डाल लेंगे और सेम प्रोसेस से सारा बैंगन, चारों बैंगन ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों बैंगन रेडी कर लिए हैं। तब एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डाल देंगे और जब पूरा गर्म हो जाएगा तब इसमें बैंगन डाल देंगे। और तेल एकदम गर्म होना चाहिए तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको चारों साइड से उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको उलट देंगे। और देखिए ये बैंगन कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा ये खाने में भी लगता है। आप इसे को चाय के साथ खाइए या फिर स्टार्टर में खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे, इसमें का सारा तेल निकलने के बाद एक प्लेट में रख देंगे और उसके बाद फिर से तेल बहुत गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये बैंगन डाल देंगे। अब इसको उलट देंगे और सेम प्रोसेस से सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बैंगन फिंगर फ्राई सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसको हरे धनिए या टोमेटो सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी करारी लग रही है, मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी चटपटी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये आप सबको बैंगन फ्राई की रेसिपी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।